श्री वृंदावन बिहारी स्वरूप समझो, सभी को वंदन करो, सभी के साथ शुद्ध भाव से प्रेम करो। कथा सुनते हो, आज से निश्चय करो इस संसार में मेरा कोई शत्रु नहीं, किसी ने भी मेरा कुछ बुलाया नहीं है, मैं किसी का शत्रु नहीं हूं। मेरे दुख का कारण मेरा पाप है, मैंने पाप किया इसीलिए मैं दुखी हूं। सभी के साथ प्रेम, जगत को भगवान का स्वरूप समझो। ज्ञानी पुरुष कहते जगत मिथ्या है, जगत दुख रूप है। ठीक है, ज्ञान का अनुभव करना बड़ा कठिन है। वैष्णव आचार्य कहते जगत भगवान का स्वरूप, सिया राममय सब जग जानी। जगत को भगवान से अलग न करो, जगत को भगवत भाव से देखो। प्रेम करना है तो सभी के साथ प्रेम करो। नंद बाबा का कोई शत्रु नहीं है, सभी के साथ नंद बाबा का प्रेम है। सभी ने नंद बाबा को आशीर्वाद दिए हैं, सभी के आशीर्वाद जब सफल होते हैं तब सर्वेश्वर आते हैं। मानव का जन्म सुख भोगने के लिए नहीं हुआ है, दूसरे को सुख देने के लिए हुआ है। शास्त्रों में वर्णन आता है, ब्रह्मा जी ने बड़े बड़े देव बनाए, बड़े बड़े ऋषि बनाए, ब्रह्मा जी को संतोष हुआ नहीं। कितने ऋषियों ने तो ब्रह्मा जी को ऐसा जवाब दिया, आपके जगत का जो होने वाला हो सो होवे, हम पर्वत की गुफा में बैठ करके ध्यान करेंगे, हम अपना कल्याण करेंगे। ब्रह्मा जी को ठीक लगा नहीं, ये बड़े बड़े ऋषि भी स्वार्थ की बातें करते, हमारा कल्याण करेंगे, हम एकांत में बैठेंगे। जिस समाज में इनका जन्म हुआ, जिस देश में इनका जन्म हुआ, देश के लिए उनके हृदय में समाज के लिए प्रेम नहीं है। जगत का जो होने वाला हो सो होवे, हम अपना कल्याण करेंगे। ब्रह्मा जी को चिंता है मेरे संसार को सुखी कौन करेगा। ब्रह्मा जी ने जब मानव को बनाया तब ब्रह्मा जी को शांति मिली है। ब्रह्मा वलोकाधीशनम निगमापरेवा, मानव जगत को सुखी करेगा तो दूसरे को सुखी करने की इच्छा रखता है वो दुखी नहीं होता है। मैं सुख भोगूंगा, मैं सुखी हो जाऊंगा, ऐसी इच्छा रखने वाला सुखी नहीं होता। सभी में सद्भाव रखो, कोई भूखा न रहे, कोई दुखी न होवे, सभी सुखी होवे। आप जगत के लिए जैसा भाव रखोगे वैसा भाव जगत के लोग आपके लिए रखेंगे। ये संसार भावमय है, शरीर सभी के भिन्न भिन्न है, शरीर में ईश्वर एक ही है।
आप जिसको शत्रु समझते हो, शत्रु के लिए आप खराब विचार करते हो, तो शत्रु भी आपके लिए खराब विचार करेगा। आपके शरीर में जो भगवान है वे ही भगवान, आप जिसको शत्रु समझते हो उसके शरीर में भगवान नहीं है। देह भिन्न भिन्न है, देव एक है, देव अनेक नहीं है। सभी को सुखी करने की इच्छा रखो, किसी के लिए खराब विचार मत करो। ये संसार भावमय है, आप जगत के लिए जैसा भाव रखोगे जगत के जीव भी आपके लिए ऐसा ही भाव रखे। केदारनाथ की यात्रा जिन वैष्णवों ने की है उनको खबर है, केदारनाथ के मार्ग में गुप्त काशी आती है। गुप्त काशी से एक मार्ग उखी मठ के तरफ जाता है। ठंडी के दिवसों में केदारनाथ भगवान को वहां से उठा करके उखी मठ में रख देते हैं। मंदिर में बर्फ बहुत गिरता है, वहां कोई रह सकता नहीं है। बद्रीनारायण भगवान को जोशी मठ में रख देते हैं, मंदिर में रहना अशक्य है। बाणासुर की कन्या उषा देवी का वहां राजमहल है, इसलिए लोग उसको उखी मठ कहते हैं। तीन चार पहाड़ वहां मिले हुए, शांत वातावरण हुए तो बहुत आनंद आता है। वहां खड़ा होकर के जो शब्द बोलो वही शब्द प्रतिध्वनि रूप से आपके कान में आएगा। तीन चार पहाड़ मिले हुए हैं इसलिए प्रतिध्वनि का प्रतिध्वनि दूसरे पहाड़ में से निकलता है। एक बार आप जो शब्द बोलो उसका प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि का प्रतिध्वनि तीन चार बार आपके कान में आएगा। वहां खड़ा होकर के कोई बोले गंगे हर, प्रतिध्वनि आएगा गंगे हर। प्रतिध्वनि का प्रतिध्वनि दूसरे पहाड़ में से निकलेगा गंगे हर। एक बार गंगे हर बोलो तो प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि का प्रतिध्वनि अनेक बार कान में आता है। वहां खड़ा होकर के कदर कोई ऐसा बोले तेरा सत्यानाश हो जाए तो प्रतिध्वनि आएगा तेरा सत्यानाश हो जाए। जैसा ध्वनि वैसा प्रतिध्वनि, जगत के लिए जैसा भाव रखोगे वैसा भाव जगत आपके लिए रखेगा। कोई दुखी न होवे, कोई भूखा न रहे, सभी सुखी होवे। सभी को सुखी करने की भावना रखो, यही नंद बाबा का स्वरूप है। नंद जी को सभी के आशीर्वाद मिले थे, उनके यहां सर्वेश्वर भगवान आए। ब्रजवासी बोले हैं नंद के आनंद भयो है, नंद बाबा हमको आनंद देते थे इसलिए उनके घर में परमानंद आया है। एक संत को पूछा था कि महाराज वैष्णव का लक्षण बताओ, वैष्णव किसको कहते। संत ने वैष्णव का लक्षण बताया, दिवस में 12 बजे जो रामनवमी का उत्सव करता है और रात्रि में 12 बजे जो जन्माष्टमी का उत्सव करता है वही वैष्णव। रामनवमी और जन्माष्टमी रोज करो। ये तो वर्ष में एक ही दिन रामनवमी का उत्सव करते, एक ही दिन जन्माष्टमी का उत्सव करते, वो भी उत्सव मंदिर में जाकर के करके आते। मंदिर में उत्सव करो ठीक है, मंदिर में दीपक रखने से आपके घर में प्रकाश नहीं आएगा। आपके घर में दीपक जलाओ तो आपके घर में प्रकाश आएगा। आपके घर में उत्सव करो, दिवस में 12 बजे रामनवमी का उत्सव करो, रात्रि में 12 बजे जन्माष्टमी का उत्सव करो। कदाच आपको भय लगेगा महाराज रोज रामनवमी करना है, महंगाई तो बहुत है, रोज रामनवमी का उत्सव कैसा करे, रोज हलवा बनाना पड़ता है, रोज प्रसाद उछालना है। उत्सव तो गरीब भी कर सकता है। दिवस में 12 बजे रामनवमी करो, इसका अर्थ होता है राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। 12 बजे भूख लगती है, प्यास लगती है, तो मानव किसी के भी हाथ का पानी पी लेता है, किसी के भी हाथ का खा लेता है। ये मर्यादा का भंग है। बाजार का कभी खाना नहीं चाहिए, बाजार की वस्तुओं में अनेक की नजर पड़ती है।
सभी की आंख शुद्ध नहीं होती है। बाजार की वस्तु में दृष्टि दोष आता है। भूख प्यास सहन करो, मेरे को बाजार का खाना नहीं है, मेरे को साधारण मानव के हाथ का पानी नहीं है। दिवस में 12 बजे रामनवमी करो, इसका अर्थ होता है राम की मर्यादा का पालन। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और श्री कृष्ण भगवान प्रेम पुरुषोत्तम है। जो धर्म की मर्यादा में रहता है, धीरे धीरे मन शुद्ध होता है, भगवान में प्रेम होता है। अनेक जन्म का पुण्य जब बहुत बढ़ जाता है तभी भगवान में प्रीति होती है। भगवान में प्रेम होना बड़ा कठिन है। जो राम की भक्ति नहीं करता उसको श्री कृष्ण में प्रेम नहीं होता है। राम की भक्ति यही है, राम की मर्यादा का पालन करो। दिवस में 12 बजे राम जी का स्मरण करो। राम परमात्मा है, रामचंद्र जी ने कभी मर्यादा का भंग नहीं किया। बड़ा वह है जो धर्म की मर्यादा में रहता है। भूख प्यास सहन करो, बाजार का खाना छोड़ दो, एक 6 महीना करके तो देखो। पवित्र जल पेट में जाएगा, पवित्र अन्न पेट में जाएगा तो 6 महीने के बाद बुद्धि सुधरने लगती है। आपका अंतरात्मा बोलेगा 6 महीने पहले मेरा मन बहुत पाप करता था, मेरे मन में खराब विचार बहुत आते थे, अब पाप कम होता है। आपका अंतरात्मा बोलेगा शुद्ध अन्न और शुद्ध जल जिसके पेट में जाता है धीरे धीरे बिगड़ा हुआ मन शुद्ध होता है। शास्त्रों में लिखा है मन अन्नमय है, अन्नमयम सौम्य मनः। पेट में जो अन्न जाता है उसके 3 भाग होते हैं। अन्न का स्थूल भाग मल रूप से बाहर निकलता है, अन्न का जो मध्यम भाग है उससे रुधिर और मांस बनता है, और अन्न का जो सूक्ष्म भाग है उससे मन बनता है। अन्नमय मन होता है। पवित्र अन्न पेट में जावे तो धीरे धीरे मन शुद्ध होता है। जगत बिगड़ा नहीं है, मन बहुत बिगड़ा है। जगत बिगड़ा हो तो जगत को कौन सुधार सकता है? जगत को सुधारना अशक्य है, आपके मन को सुधारो। दिवस में 12 बजे रामनवमी करो, राम की मर्यादा का पालन करो। राम धर्म की मूर्ति है, धर्म ही भगवान है। जो धर्म छोड़ता है उसके भक्ति में बहुत विघ्न आता है, जो धर्म छोड़ता है उसका ज्ञान बह जाता है। धर्म से ही ज्ञान टिकता है। धर्म शब्द का अर्थ होता है जो पतन से बचावे उसको धर्म कहते हैं। धारणा धर्म, धर्मो धारयते प्रजाः, धर्मो विश्वस्य जगत प्रतिष्ठा, तस्मात् धर्मं परमं वदन्ति। राम धर्म की मूर्ति है। सनातन धर्म कैसा है वो देखना हो, राम जी का दर्शन करो, राम जी की एक एक लीला का चिंतन करो। राम परमात्मा है, कभी मर्यादा का भंग नहीं करते। दिवस में 12 बजे रामनवमी करो और रात्रि में 12 बजे जन्माष्टमी करो। श्री कृष्ण भगवान मध्य रात्रि में प्रकट हुए। रात्रि के 4 प्रहर माने हैं। सायंकाल में 6 बजे से 9 बजे तक रात्रि का प्रथम प्रहर, 9 से 12 बजे तक रात्रि का दूसरा प्रहर है, 12 से 3 बजे तक रात्रि का तीसरा प्रहर है, और रात्रि में 3 बजे से सवेरे 6 बजे तक रात्रि का चतुर्थ प्रहर माना जाता है। रात्रि के चतुर्थ प्रहर में सभी साधु संत जागते हैं। संतों का एक नियम होता है रात्रि में 3 बजे के बाद सोते नहीं। रात्रि में 3 बजे के बाद चतुर्थ प्रहर का आरंभ होता है। 4 बजे तो आसन में बैठ जाते हैं। रात्रि के चतुर्थ प्रहर में संत जागते हैं। रात्रि के तीसरे प्रहर में रोगी जीव जागता है। जिसको रोग हुआ है उसको रात्रि में 12 बजे के बाद नींद नहीं आती। रोगी को प्रायः सवेरे 4 बजे के बाद नींद आती। रात्रि के तीसरे प्रहर में रोगी जीव जागता है। चतुर्थ प्रहर में योगी जीव जागते हैं। रात्रि के दूसरे प्रहर में भोगी जीव जागता है। रात्रि में 9 से 12 बजे तक दूसरा प्रहर माना है। रात्रि के दूसरे प्रहर में भोगी जीव जागता है। भोगी भूखा ही रहता है।
भोग से क्षणिक सुख मिलता है, त्याग से बहुत शांति मिलती है। रात्रि में भक्ति करने की बहुत जरूरत है। जो रात्रि में भक्ति नहीं करता उसको काम मारने के लिए जाता। रात्रि में जन्माष्टमी करो, वैष्णव वह है जो भगवान के साथ सो जाता है। जो भगवान के साथ सो जावे उसको कैसा आनंद मिलता हो। रात्रि में जन्माष्टमी करने की बहुत जरूरत है। रात्रि में गोपाल जी की पूजा करो, रात्रि में गोपाल जी का ध्यान करो, रात्रि में हरे कृष्णा 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 हरे हरे महामंत्र का थोड़ा जप करो, भगवान के साथ सो जाओ। दिवस में 12 बजे जो जन्माष्टमी करता है, और रात्रि में जो 12 बजे दिवस में 12 बजे रामनवमी और रात्रि में 12 बजे जो जन्माष्टमी करता है वही वैष्णव है। रात्रि में जो भक्ति नहीं करता उसको काम मारने के लिए जाता है। रात्रि में भक्ति जो नहीं करता वो पाप करता है। कथा मंडप में ही रखना नहीं, साथ में ले जाना। दिवस में 12 बजे रामनवमी और रात्रि में 12 बजे जन्माष्टमी करना है। नंद महोत्सव रोज करना चाहिए। जो प्रातः काल में नंद महोत्सव करता है उसका दिवस आनंद में जाता है। नंद महोत्सव दिन भर हुआ है। नंद महोत्सव का मुख्य समय प्रातः काल का है। प्रातः काल में नंद बाबा ने स्वप्न में बालकृष्ण का दर्शन किया है, तभी से उत्सव शुरू हो गया। वैश्वासी तो दिन भर नंद महोत्सव करते हैं, ठीक है। नंद महोत्सव का मुख्य समय ब्राह्म मुहूर्त का है। 24 घंटे में अति से पवित्र कोई समय हो तो 4 से 5:30 तक। इसको हमारे शास्त्रों में ब्राह्म मुहूर्त कहते हैं। 4 से 5:30 माने दोपहर के नहीं हो, सवेरे 4 से 5:30। रात्रि में जल्दी सो जाओ और सवेरे 4 बजे आसन में बैठ जाओ। लोग यात्रा करते हैं, लोग यज्ञ करते हैं, लोग दान देते हैं, ठीक है। अति उत्तम तो यह है सवेरे 4 से 5:30 तक भक्ति करो, आपका कल्याण होगा, आपका घर तीर्थ हो जाएगा। रात्रि में जल्दी सो जाओ। रात्रि में 10 बजे के बाद जागना नहीं चाहिए और रात सवेरे 4 बजे के बाद सोना नहीं चाहिए। शास्त्रों में ऐसा लिखा है, सवेरे 4 बजे के बाद जो शैया में पड़ा रहता है उसके पुण्य का नाश हो जाता है। सवेरे 4 बजे नींद नहीं आती उसका नाम तंद्रा है। सवेरे थोड़ी थोड़ी ठंडी पड़ती है, रजई उड़ रही हो तो गाजी नहीं मजा आती है, उसके पुण्य का नाश हो जाएगा। 4 बजे आसन में बैठ। शास्त्रों में ऐसा लिखा है रात्रि में 10 बजे के बाद राक्षस लोग जागते हैं, 10 बजे कांते के बाद राक्षस लोग बातें करते हैं। इसीलिए हमारी संस्कृत भाषा में राक्षस का नाम बताया रात्रिंचरो रात्रिचरा। रात्रि में 10 बजे के बाद जागना नहीं चाहिए, बातें करनी नहीं चाहिए, सो जाओ, सवेरे 4 बजे आसन में बैठ जाओ। कितने लोग तो रात्रि के राजा होते हैं, रात्रि में 11-12 बजे तक बातें करते हैं, उनको नींद नहीं आती है, समझना यही राक्षस है। राक्षस दूसरा कोई दूसरा नहीं होता है। रात्रि में जल्दी सो जाओ, कथा सुनने के बाद सावधान हो जाओ, आज तक जो हुआ सो हुआ। मैंने कथा में सुना है सवेरे 4 से 5:30 तक का समय ब्राह्म मुहूर्त का अतिशय पवित्र है। आप करके देखो। प्रातः काल में ब्राह्म मुहूर्त में भगवान का थोड़ा ध्यान करो, प्रेम से पूजा करो, भगवान के नाम का जप करो, भगवान को वंदन करके प्रार्थना करो, मैं आज से आपका हो गया। जो भागवत की कथा सुनता है वो भगवान का हो जाता है। आप मेरे हृदय में विराजो, आप मेरे को पाप करने से रोक लो, मेरे को पाप करने की आदत पड़ी है, मेरा मन बहुत बिगड़ गया है, मैं शरण में आया हूँ, मैं पाप नहीं छोड़ सकता, मेरे को पाप करने में मजा आती है, मैं क्या करूँ। मानव मूर्ख नहीं है, सयाना है, समझता है पाप करके ही मैं दुखी हुआ हूँ, तो भी वो पाप छोड़ता नहीं है। भगवान की प्रार्थना करो, आपको भगवान पाप करने से रोक लेंगे।
प्रातः काल में ध्यान करने की जरूरत है, प्रातः काल में पूजा करने की थोड़ी जरूरत है, प्रातः काल में प्रेम से भगवान के नाम का जप करो, पीछे से प्रार्थना करो। लोग खाली प्रार्थना बोलते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है, थोड़ा जप करो, पूजा करो, फिर प्रार्थना। प्रातः काल में श्री कृष्ण दर्शन में सेवा स्मरण में हृदय थोड़ा पिघल जावे, मन को भक्ति रस मिले तो मन के ऊपर सुख दुख की मान अपमान की असर नहीं होती। जो मन भक्ति रस में पिघला हुआ रहता है उसको कोई मान देवे तो सुख नहीं है, कदाच उसका जगत में अपमान होवे तो दुख नहीं है। संतों के जीवन में अनेक दुख के प्रसंग आते हैं, उनके मन पर दुख की असर नहीं होती, इसका यही कारण है। प्रातः काल में 4 बजे ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं, जप करते हैं। प्रातः काल में जिसका मन भक्ति रस में तरबर हो जाता है उस मन के ऊपर संसार के सुख दुख की असर नहीं होती। प्रातः काल में भगवान की थोड़ी मानसी पूजा करते, मानसी पूजा सबसे श्रेष्ठ मानी है। प्रत्यक्ष आप पूजा करते हो अच्छा है, मन से पूजा करो, मन से भगवान को स्नान कराओ, मन से श्रृंगार करो। मानसी पूजा में सावधान रहना है, मन में संसार न आवे, मन संसार के कोई विषय में न जावे। आप मानसी पूजा करने के लिए बैठो, उस समय अपने मन को 5-10 मिनट की रजा दो। तेरे को बाजार में जाना है, किसी संबंधी के घर में जाना है, तेरे को 10 मिनट की रजा है, जाओ। 10 मिनट के बाद में तेरे को बराबर पकड़ करके रखने वाला, मन जिसके मुट्ठी में है वो महान है। मानसिक पूजा में जब बैठो तब मन को कहना, तेरा कोई खास काम हो तो करने के लिए जाओ, काम करके आओ, 10 मिनट के बाद मैं तेरे को कहीं भी जाने नहीं दूंगा। आप मालिक हो, मन आपका नौकर। लोग कहते हैं मन बहुत बिगड़ा है, पाप करता है। मन तो आपकी इच्छा से पाप करता, मालिक की इच्छा बिना नौकर कुछ नहीं कर सकता। मन आपका है, आपकी प्रेरणा बिना मन पाप नहीं कर सकता, मन स्वतंत्र नहीं है। लोग कहते हैं मेरा मन बिगड़ा है, मैं बिगड़ा हूं, ऐसा नहीं कहते। मन बिगड़ा है जिसको दिखता है वह आप हो। आपके मन को दूसरा कौन संभालेगा, आपके मन को आपको ही संभालना है। प्रातः काल में परमात्मा का थोड़ा ध्यान करो, मानसी पूजा करो, एक पैसे का खर्च नहीं है, शरीर को जरा भी त्रास नहीं है, आपका कल्याण होगा, आपके ऊपर भगवान कृपा करे। एक बनिया था, बड़ा कंजूस था। उसके मन में एक दिन ऐसा विचार आया, लोग भगवान की भक्ति करते हैं, मैं भी भगवान की भक्ति करूं। एक संत के पास गया और संत को उसने कहा, मेरे को भक्ति करने की इच्छा है, मगर मैं बड़ा कंजूस हूं, पैसे का खर्च हो रहे तो मेरा हृदय जलने लगता है। ऐसी कोई भगवान की भक्ति है कि नहीं जिसमें पैसे का भी खर्च ना हो? मेरे को भक्ति तो करना है, एक पैसे का खर्च करना नहीं। संत को दया आई, भगवान को पैसे की क्या जरूरत है। संत ने कहा, मैं तेरे को एक ऐसी भक्ति बताऊंगा कि पैसे का भी खर्च होवे, तेरा कल्याण होगा, तेरे ऊपर भगवान कृपा करे। कि पैसे का खर्च नहीं करना है, पैसे का भी खर्च करना नहीं, तो तुम्हें करने के लिए तैयार, मेरे को क्या करना चाहिए। संत ने समझाया, प्रातः काल में 4 बजे आसन में बैठ जा, भगवान की मानसी पूजा करना है। मानसी पूजा में आप जब बैठो उस समय मन से गंगा जी में स्नान करो। प्रत्यक्ष गंगा जी में स्नान करने के लिए जाओ तो ठंडी लगती है, मन से स्नान करने में जरा भी ठंडी नहीं लगती है। मानसी पूजा में जब बैठो तब मन से स्नान करो, गंगा मैया को वंदन करो, गंगा मां का स्मरण करो, मन से गंगा जी में स्नान करो। मानसी स्नान करने के बाद मानसी पूजा होती है। संत ने उसको पूछा, भगवान का कौन सा स्वरूप तेरे को बहुत प्यारा लगता है? बनिया ने कहा, महाराज मेरे को छोटे से 4-5 वर्ष के जो बालकृष्ण है मेरे को बहुत प्यारे, छुम 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 करते हुए चलते हैं, खेलते हैं, हंसते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, मेरे बाल स्वरूप में प्रीति है, बाल स्वरूप मेरे को बहुत अच्छा लगता है।
संत ने कहा तो कल से बाल कृष्ण की मानसी पूजा कर। तुम्हारे पूजा कैसी करनी चाहिए कि प्रातः काल में 4 बजे आसन में बैठ जाओ, मन से गंगा जी में स्नान करके गंगा जल ले आओ, ऐसी भावना करो मेरे बाल कृष्ण गाजी में सोए हुए। मानसी पूजा में दास्य भाव अच्छा होता, भगवान को मालिक मानो, मैं उनका एक साधारण नौकर हूं। सख्य भाव, वात्सल्य भाव, माधुर्य भाव से लोग सेवा पूजा करते हैं, ठीक है, अभिमान आने का संभव होता है। सख्य भाव में, वात्सल्य भाव में अभिमान आने का संभव, दास्य भाव रखो, मैं भगवान का दास हूं। माया जीव को गुलाम बनाती है, जो संसार में आता है, जो माया का उपयोग करता है, उसको माया दास बना देती है। जीव स्वतंत्र नहीं है, माया का दास हो गया है। जो भगवान का दास होता है वो माया के बंधन में से धीरे धीरे छूटता है। मैं भगवान का एक साधारण नौकर हूं, भगवान मेरे मालिक है, ऐसा भाव रखो। एक साधारण नौकर अपने मालिक को बहुत विवेक से, प्रेम से जगाता है। मेरे मालिक सोए हुए हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 10 मिनट 15 मिनट थोड़ा जप करो, प्रेम से कीर्तन करो, उस समय भावना से भगवान को जगाना है। मेरे भगवान निद्रा में है, मैं मेरे मालिक को जगाता हूँ। आपका हृदय प्रेम में बहुत पिघल जावे तो भगवान जागते। जीव को दर्शन करने की तीव्र जब इच्छा होती है तो भगवान जागते। तुम्हारे भगवान जागने के बाद क्या करना चाहिए, भगवान को उठा करके सुंदर सिंहासन में आचमन कराओ। बाल स्वरूप होने से जागने के बाद उनको भूख लगती है, गाय का दूध गाय का माखन मिश्री भगवान को अर्पण करनी चाहिए। ऐसी कल्पना करो, सुंदर चांदी का कटोरा है, माखन है, मिश्री है, मेरे बाल कृष्ण सिंहासन में विराजमान है, मेरे बाल कृष्ण को मैं अर्पण करता हूँ। बाल कृष्ण अकेले कभी खाते नहीं, अपने बाल बाल मित्रों को देते हैं, सबको खिलाने के बाद थोड़ा सा खाते हैं। छोटे छोटे बाल बाल श्री कृष्ण को मिलने के लिए आए, श्री कृष्ण का प्रेम ही ऐसा था। एक बाल घर में जागते हैं, जागने के बाद उनको कन्हैया याद आता है, अरे कन्हैया के मेरे को कन्हैया के पास जाना है। माँ समझाती है कन्हैया तो अभी उठा भी नहीं है, सोया हुआ है, अभी से तू जाकर के क्या करेगा, कि ना माँ मेरे को घर में नहीं रहना, मैं कन्हैया के पास जाऊँ। बालक मानते ही नहीं है, 3-4 वर्ष के छोटे छोटे बालक प्रातः काल में अपने बाल कृष्ण लाल को मित्र को मिलने के लिए। श्री कृष्ण का मित्र प्रेम अलौकिक है, बाल बाल मित्रों के साथ प्रेम से बोलते हैं, खेलते हैं, एक एक के मुख में माखन मिश्री देते हैं। आंख बंद करके ऐसा दर्शन करो। मनिया ने पूछा महाराज बाजार में से कुछ लाना नहीं है, आंख बंद करके ऐसा विचार ही करना है, विचार ही करना है, एक पैसा खर्चना नहीं है, उससे विचार किया तो ऐसा विचार करने में मेरा क्या जाता है, पैसे का खर्च तो है नहीं, कि महाराज फिर क्या करना चाहिए। बाल कृष्ण माखन मिश्री खाते हैं, ऐसा दर्शन करो। कभी कभी बाल कृष्ण बहुत कृपा करते हैं तो आपको भी प्रसाद दे, कृष्ण लीला का जो चिंतन करता है उसको ऐसा अनुभव होता है। बाल कृष्ण को मनाना है, गर्म जल से बाल कृष्ण को स्नान कराना है, बाल कृष्ण लाल को सुंदर पीतांबर पहनाओ, मन से श्रृंगार करो, भगवान को तिलक करो, भगवान के गले में पुष्प की माला अर्पण करो, भगवान को सुंदर सामग्री अर्पण करके भगवान को मनाओ, आपके लिए बनाया है, आप भोजन करो, मन से भगवान को अर्पण करो, भगवान भोजन करते हैं ऐसा दर्शन करो, भगवान की आरती करो। आरती के समय में हृदय थोड़ा आर्त हो जाए, मैं इतना बड़ा हो गया अभी तक एक बार भी भगवान का दर्शन हुआ, मैं कैसा पापी हूं, मैं कैसा हृदय प्रेम में पिघले तब आरती होती है। आरती का क्रम बताया है, 3 बार आरती भगवान के चरण ऊपर से करनी चाहिए, 3 बार आरती जंघा के ऊपर से करनी चाहिए, 3 बार आरती भगवान के वक्षस्थल ऊपर से करनी चाहिए, और 3 बार आरती मुखारविंद ऊपर से करनी चाहिए, फिर 7 बार चरण से मुखारविंद तक सर्वांग ऊपर से आरती करो। आरती का क्रम ऐसा बताया है,
प्रेम से भगवान की आरती करो। उस समय भगवान के एक एक अंग में आंख और मन को स्थिर करना, आनंद आएगा। अब करके देखो, भगवान की आरती करो, वंदन करो, फिर प्रार्थना करो। प्रत्यक्ष पूजा में जितना समय जाता है उतना समय मानसी सेवा हो तो बहुत अच्छा। बंजा ने विचार किया, एक पैसे का खर्च नहीं, कल से मैं ऐसा ही करूं। प्रातः काल में 4 बजे आसन में बैठ जाता, बालकृष्ण को प्रेम से जगाता है, माखन मिश्री अर्पण करता है, बालकृष्ण को स्नान कराता है, बालकृष्ण का सुंदर श्रृंगार करता है, तिलक करता है, भोग लगाता है, प्रेम से आरती करता है। धीरे धीरे उसका मन भगवान को स्पर्श करने लगा। मन जब परमात्मा को स्पर्श करता है, ये मलमूत्र से भरा हुआ जो शरीर है वो भगवान को स्पर्श करने के लिए लायक नहीं। शास्त्रों में ऐसा लिखा है, मानव के शरीर में से शरीर से देव लोग दूर खड़े रहते हैं। इसका कारण बताया है, मानव के शरीर में से मलमूत्र का दुर्गंध निकलता है। ये शरीर बहुत अशुद्ध है, ये शरीर मलमूत्र के आधार से ही टिकता है, दुर्गंध आता है, इसलिए देव लोग मानव शरीर से दूर खड़े रहते। आजकल कितने लोग दुर्गंध को ढकने के लिए सुगंधी तेल में पाउडर सब कुछ लगा लेते हैं। घंटा डेढ़ घंटा थोड़ी असर होती है, बिल्कुल ऐसा था वैसा ही हो जाता है। दुर्गंध से भरा हुआ है ये शरीर, भगवान को मिलने के लिए लायक नहीं है। परमात्मा को मन से मिलना है।